और हमारे लिए लगने वाला यहाँ पे इंदौर का सबसे बिगेस्ट सैंडविच, तो देखिए ये लगे आप, ये सर ग्रीन चटनी गार्लिक वाला हमारा, ठीक है। तो देख सकते हो भैया कितनी स्पीड में यहाँ पे लगा रहे हैं ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी गार्लिक वाला सिलबट्टे का है, ये पत्थर वाला जो बनता है ना, अब तो खैर मशीन आ गई पत्थर की, उसका है सर। तो कितना टाइम हो गया आपको शॉप पे? 15 साल हो गए सर सैंडविच को, ठीक है, जंबो सैंडविच को, ठीक है। तो देख सकते हो कितने ज़्यादा ब्रेक में ग्रीन चटनी लग रही है। तो देखिए ये लगे 2 पीस 3 पीस 4 पीस, तो कितने पीस लेंगे? और सर एक सैंडविच में 3 बैठ जाता है, ठीक है। ये 6 सैंडविच बन रहे हैं, 6 और एक पार्सल, 7। और ये क्या डाल रहा है? ये सर तंदूरी टॉपिंग है, ठीक है, ये तंदूरी टॉपिंग है। तो क्या क्या यहाँ पे मिल जाता है सर? मेन तो हमारा सैंडविच में तंदूरी पनीर चीज़ अच्छा, पिज़्ज़ा क्लब है, पनीर टिक्का सैंडविच है, अनियन कैप्सिकम चीज़ है। हम लोग 8 से 10 वैरायटी बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनाते हैं सर। हाँ जी, कॉर्न मसाला चीज़ जी सर, एक कॉर्न मसाला चीज़ का ऑर्डर भैया थोड़ा कड़क कर देना जी सर। जी सर, तो वैरायटी वो है, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी बना दिया, 4-5-7 वैरायटी अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या लग रहा है ये सर? हमारा तंदूरी टॉपिंग था, कट बेस होता है, ये हम खुद बनाते हैं, और ये है पिज़्ज़ा टॉपिंग, तंदूरी पनीर चीज़। ओके सर, 7 तंदूर चल रही है, 3-4 टाइप की वेजीज। हाँ जी, कैप्सिकम टमाटो और अनियन है, बहुत बढ़िया है। तो इंदौर में काफ़ी नाम है इनका, काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ पे, तो लोग काफ़ी दूर दूर से खाने आते हैं, और हम भी दिल्ली से आ गए इनका ये सैंडविच ट्राई करने। आप लोगों का सर आभार है। तो इसका प्राइस क्या रहता है भैया? सर तंदूरी पनीर चीज़ जो बन रहा है सर, ये 150 रुपीज़ का एक होता है। अच्छा, और लगभग मेरे हिसाब से 3 लोगों के लिए एक सैंडविच बहुत हो जाता है। तो 3 लोग एक साथ? हाँ, और स्टार्टिंग हमारा 100 रुपीज़ से। ये कौन सा मसाला डाल रहा है? ये सर हमारा जो है मतलब होममेड मसाला रहता है, इसके अंदर हिंग होता है, काली मिर्ची, लौंग वगैरह रहता है, ऐसा एक जिरावन के नाम से जिरावन चाट मसाला मिक्स रहता है इसमें, ये लौंग काली मिर्ची का मसाला है, ठीक है। ये भी सर देखिए ऐसा आधा कुटा हुआ है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, इसका हल्का सा अच्छा टेक्स्चर रहता है। तो इसका प्राइस क्या रहने वाला है जंबो सैंडविच का? 150 रुपीज़ सर, 150 से ज़्यादा का सैंडविच नहीं है हमारे यहाँ जी सर। हाँ सर, अभी नीचे चल रहा है। सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग तंदूरी पनीर चीज़ है सर, तंदूरी पनीर से पिज़्ज़ा क्लब, ये दो ज़्यादा चलता है। तो ये हॉट सेलिंग ये सैंडविच है। हाँ जी, हाँ जी सर, तंदूरी पनीर लीजिए, बहुत अच्छा है सर। ये आगे सेव आ गई, मोटी और पतली दोनों से दो। इंदौर में ये सेव खाना लोग बहुत पसंद करते हैं। हाँ जी, सेव, हाँ जी हो जाएगा ना, सेव तो सर ऐसा है कि इंदौर व्यक्ति जहर खाएगा तो भी सेव मिला के खाएगा। जी सर, पेटीएम हो जाएगा सर इससे। ये कौन चीज़ का ऑर्डर भी भैया नया? हाँ, तंदूरी 8 हो गए। ये क्या डाल रहा है? ये सर पनीर है, ग्रेटेड पनीर आपका। जी जी, तो देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, तो कलरफुल हो गया ये। एक तंदूरी और ये क्या आ गया? ये बीटरूट, बीटरूट आपका, तो एकदम इसको कद्दूकस करके डाल रहे हैं। रख ले वही, रख ले चीज़। अरे वाह, बहुत बढ़िया, देखो सर कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में ये चीज़ डाल रहे हैं। है ना, रख रहे कुछ। तो ये आ गए इनके पनीर, ये पनीर बॉल्स है सर, ठीक है, ये पनीर पीसेस आ गए हैं। ये देखिए इसका मेयोनीज डालने का स्टाइल देखिए, कितना बढ़िया है ये, बहुत बढ़िया। 8 और एक वहाँ से 9 तंदूरी पनीर है। ये आगे ऊपर दूसरी लेयर, 5 मिनट सर, सिर्फ 5 मिनट वाले। तो ये ऐसे आपसे स्पीड, यहाँ पे ऐसे स्पीड में काम चला रहता है पूरा? हाँ सर, हमारे कस्टमर जो है ना मतलब सुबह 12 से लेकर रात को 10 बजे तक तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। तो दुकान चालू रहती है 9 बजे रात की 12 तक। और हफ्ते में कितने दिन ओपन रहती है सर? साल भर में एक भी दिन बंद नहीं होती है, और 10-12 नाइट और हो जाती है। अच्छा। दीपावली रात भर चालू रहता है हमारा, 31 रात भर चालू, दिवाली में डबल काम हो जाता है। हाँ नहीं, बहुत अच्छा रहता है सर, लक्ष्मी की आराधना तो वही है सर। तो ये क्या लगा रहे हैं आप? ये सर मस्टर्ड है, मस्टर्ड सॉस है, ये मस्टर्ड है, ये अपना चिली गार्लिक और शेजवान मिक्स कर रहा है, शेजवान हमारा बनता है, चिली गार्लिक बाहर का है, शेजवान हम लोग भी खुद बनाते हैं सर। अच्छा, शेजवान खुद बनाते हैं शुरू से। जब टमाटो केचप आ गया, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, कितनी ज़्यादा फीलिंग है इसमें। एकदम पैक हो चुके हैं ये, छह तंदूरी तो एक साथ आ जाएंगे ना। कौन कितना ऑर्डर है भाव? कौन है भैया? एक कौन चीज़ है? 3 लेयर में करना। चलो अपना क्लोन मनवा बता दीजिएगा सर। कपड़ा मार्केट अपोजिट कांच मंदिर, कांच मंदिर फेमस है सामने, बहुत क्लॉथ मार्केट है कांच मंदिर के बिल्कुल सामने, मधुरम सैंडविच। तो इंदौर में अगर आप आ रहे हो तो मधुरम सैंडविच में जरूर एक बार विजिट कीजिए, बहुत फेमस है। आपको आइडिया कैसा है जंबो सैंडविच का? सर होता क्या है कि हमारे यहाँ मेन है कपड़ा मार्केट की भी ग्राहकी बहुत है, अब लोग आते हैं सुबह से, भूख भी होती है,
12 बजे से खरीदी करने आते हैं और छोटा सा एक सैंडविच आपने 15 मिनट तक इंतजार किया और लगा दिया तो बड़ी चिट छुटती है यार कि 15 मिनट इंतजार किया, चार पीस साला तुमने सामने रख दिया। तो ये होता है कि यार खाते ज़्यादा हैं तो खिलाओ भी अच्छे से। जी सर, यहाँ पे सैंडविच भी लेके आ गए और एक साथ चार चार यहाँ पे लेने लग गई हमें। कटिंग करना मैडम? अरे वाह, देखिए काटिंग। तो कितने पीसेस कर देते हैं इसके? सर 8 पीस होते हैं। 8 पीस? हाँ जी। तो गार्निशिंग स्टार्ट होगी इसकी। तो ये डलगन का टोमेटो केचप। जी सर। तो स्पीड देख सकते हैं यहाँ पे कितनी स्पीड में यहाँ पे गार्निशिंग हो रही है इसकी। और ये आगे इनकी पत्ता गोभी, ये आगे यहाँ के फेमस सेव, जिसके बिना इंदौर का स्ट्रीट फूड कंप्लीट नहीं होता। अधूरा है सर। ये चीज़ है सर, ये चीज़ आ गई ना, ये चीज़ ग्रेड हो रहा है। तो ये चीज़ ग्रेड हो रहा है यहाँ पे जी। चुकंदर, पनीर है सर, ये आ गया इनका पनीर। तीन मसाला चीज़ है, एक पिज़्ज़ा क्लब और एक कॉर्न चीज़। कॉर्न चीज़ अंकल का है, जल्दी करना। और ये सेब, ये आ गया इनका फ्रेश हरा धनिया। और ये आगे कॉर्न्स, अरे वाह कॉर्न्स भी डलते हैं जी सर। कॉर्न, ये आगे मेयोनीज। चलो बेटा बाहर लगाओ चार। मिक्स सीजनिंग है, ठीक है। तो ये सीजनिंग कर दी ऊपर। और हम लोग क्या सर सैंडविच में देसी मसालों का टेस्ट डालते हैं। अच्छा, ज़्यादा तक बस एक ही है जो है इटालियन है, बाकी अपना लौंग, काली मिर्ची, गरम मसाला, चाट मसाला। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे प्लेट रेडी हो चुकी है, तो अब मैं अपना जल्दी से जंबो सैंडविच टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कैसा ये टेस्ट में। सर भैया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इंदौर का सबसे बड़ा सैंडविच लग चुका है, जंबो सैंडविच। और कितना बड़ा है साइज में, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। मुझे नहीं लगता इंदौर में इससे बड़ा सैंडविच आपको मिलने वाला है। तो इसका मैं प्राइस बता दूँ आपको, इसका प्राइस है 150 रुपीज़ और इसको आराम से 3 लोग खा सकते हैं। तो देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, कितना कलरफुल है और कितनी सारी चीज़ें डली हुई इसमें। चीज़ देखो कितना भर भर के डाला भैया ने। तो देखो इन्होंने सेब डाली हुई है, पतली वाली सेब डाली है, मोटी सेब डाली है। इंदौर में देखोगे मोस्टली हर चीज़ में आपको सेब मिल जाएगी। तो इन्होंने दो टाइप की सेब डाली है, पतली वाली सेब डाली, मोटी वाली सेब डाली है, पनीर डाला हुआ है, चीज़ डाला हुआ है और हरी चटनी डाली, रेड चटनी डाली और बहुत सारी आइटम्स डाली है। ये इनकी ग्रीन चटनी आ गई और ये थोड़ी सी रेड चटनी लगा लेता हूँ साथ में। मुझे इनका सैंडविच बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। इन्होंने जो हरी चटनी डाली है, रेड चटनी डाली है, इतने सारे मसाले डाले हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है। और जो इन्होंने बीच में पीसेस डाले हैं पनीर के कट करके, तो इसको बहुत ही सॉफ्ट फील दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सैंडविच है। तो इंदौर में आपको इससे बड़ा सैंडविच नहीं मिलने वाला। तो ये आप मधुरम सैंडविच में आके टेस्ट कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मुझे तो मज़ा आ गया खा के। तो अगर आप भी मेरी तरफ फूडी हो तो जल्दी से इंदौर आके इसको टेस्ट कर सकते हो। और अगर आप इंदौर में रहते हो तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये इंडिया गेट मेरी तरफ से रिकमेंडेड आपको। तो अब मैं इसको जल्दी से आप फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ उसे नेक्स्ट वीडियो में।